ऐसा फ्लावर गार्डन हो किधर भी नहीं देखा। और हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो आज मैं जा रहा हूँ निशात, और निशात आप लोग के सामने एक्सप्लोर करूंगा, तो रास्ते का सारा मंजर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ और मेरे वीडियो को आखिर तक देखें। और अभी मैं पहुंचा हूँ TRC के पास, और यहाँ पे मैं जस्ट रोड क्रॉस कर रहा हूँ, और यहाँ पे संडे का कुछ पल आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में संडे मार्केट कैसे होता है, संडे मार्केट का नज़ारा कैसे होता है, सारा चीज़ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देख सकते हैं पूरी मार्केट का लास्ट में जैसे लाल गेट रोड है TRC के पास, और यहाँ से मार्केट शुरू है। और देखो आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे इसमें गारमेंट्स और बहुत सारे आइटम्स आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे सस्ते दाम पे। और आप लोग ज़रूर आके संडे को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और अपने लिए नए नए सामान और जितना भी सामान आप लोगों को चाहिए, हाँ चाहे किचन का, चाहे आप लोगों को बिछाने का कालीन हो, कुछ भी हो, सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं इसमें। जूते हैं, कपड़े हैं, ट्राउज़र्स हैं, सारा चीज़ बहुत सारे सस्ते दाम में। और आज गर्मी भी इतना तेज़ है, और गर्मी देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तारकोल जो है बिल्कुल पिघल चुका है, इतने गर्मी तेज़ है देखो। तो इसीलिए मैंने जो आइसक्रीम लिया है, और संडे मार्केट को पीछे छोटे हुए बहुत जवाबी झील डल, और डल लेक में जो हाउस बोट है यहाँ पे, और शिकारे हैं, इंशाल्लाह इनका अलग सा रिव्यू लोगों ना कि आप उनके सामने बहुत झलक पेश करूँगा। तो मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अभी मैं जा रहा हूँ शिया जामा मस्जिद डाल गेट, और क्योंकि टाइम हुआ है नमाज पढ़ने का, और मेरा कुछ फ्रेंड्स भी दूसरी जगह से आने वाला है, उससे पहले मैं नमाज अदा करूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोग भी अगर झील डल घूमने आते हो तो ज़रूर डाल गेट में जामा मस्जिद का विजिट कीजिएगा। तो नमाज पढ़ने के बाद मेरे फ्रेंड्स भी आ चुके थे, और हम लोग निकल चुके हैं डाल गेट से निशात की ओर। डाल गेट से निशात सिर्फ 30 रुपये गाड़ी में लेते हैं टवेरा में, और अभी हम पहुंचे हैं निशात। तो ये है निशात का आउटसाइड। तो हाय गाइस, मैं पहुंचा हूँ अभी निशात, और निशात का आउटसाइड भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह बने रहे मेरे साथ और मेरे वीडियो को आखिर तक देखें। ये निशात के अपोजिट साइड में, बिल्कुल अपोजिट साइड में झील डल है, और कितने प्यारे यहाँ पे बोट्स भी हैं। और यहाँ पे हम लोग जाके टिकट लिया है, और टिकट 2 पर्सन का 48 रुपये है, और हम लोग को एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग पार्क के अंदर घुसते ही प्यारे प्यारे फूल के साथ हम लोगों ने दर्शन किया है, तो ये है निशात का नज़ारा। तो इसी तरह इससे भी ऊपर जाते हैं, तो सीढ़ियों से चढ़ के हम लोग ऊपर पहुंच चुका है। तो ये है नज़ारे झील डल का निशात पार्क से। तो मैं पहुंचा हूँ अभी निशात गार्डन, और निशात गार्डन का सारा मज़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करने को आप लोग देख सकते हैं। ये है निशात गार्डन का नज़ारा। ये है यहाँ से नीचे का नज़ारे, हम बच्चे कितने मज़े ले रहे थे पानी के अंदर। ये देखो बच्चे कितने मज़े ले रहे हैं इसके अंदर, मैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लंच लेके आएंगे तो, और बच्चे है यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, और यहाँ पे आके लंच करने के लिए बहुत ही बढ़िया अच्छे साफ।
चलो अभी जान कहते हैं ये देखो कितना सुंदर था है फोटो खींच सकता हूँ। वाओ यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे रोज से रोज गार्डन हम लोग देख सकते हैं कितने प्यारे यहाँ पे नजारे हैं। वाओ यार टूटली बच्ची वाले तो ये चलना ये है निशात पक्का सुना था यहाँ पे है मस्जिद भी लगता है वहाँ पे सुना था यहाँ पे ट्रेडिशनल पे सुना कि यहाँ पे फोटो खींचना है देख सकते हैं Correcto.
भाई सबसे मिला तो ये यहाँ पे घूमने के लिए आ रखा है। तो इनका क्या रिएक्शन है कश्मीर के बारे में और इस निशा के बारे में क्या रिएक्शन है, तो इसको पूछने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार। और क्या हाल है? हमारे यहाँ मेरा नाम सैयद बस है, हम इंडिया में आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रदेश से आए, आंध्र प्रदेश से आए। रूममेट के साथ कितने लोग आए हैं? हमारे आंध्र से बस में आया लोग, सभी पूरी बस बुकिंग कर, बस में बुकिंग कर लेके आया। और राजस्थान में अजमेर देखिया, जम्मू देखते है, इधर पूरा आके श्रीनगर गया। अच्छा। ये देखने के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा फ्लावर गार्डन हो किधर भी नहीं देखा, और एक ऐसा पेड़ हो, ऐसे वृक्ष देखने के लिए कहाँ भी नहीं है। ये देखने के लिए भारत में है, सो सभी राष्ट्र ट्रेवल सभी आके देखते हैं, और आउट ऑफ कंट्रीज वाले, इंग्लिश वाले, गल्फ कंट्रीज वाले भी सभी आके देख के जाते हैं। बच्चे बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। विजिट करना चाहते हैं तो कोई तो भी आके विजिट करो, कुछ भी नहीं नुकसान आता, देखने के लिए अच्छा एंजॉय होता। ये बड़े बड़े पहाड़ों से पानी आता है, ये पानी लेकर तलों में लेके लेक में लेके जाएगा, वो पानी पूरा झील पानी लेक में लेके जाएगा, वो पानी खोद करके उसमें आके बोट ड्राइविंग करेगा। तो बोट ड्राइविंग भी बहुत अच्छा है, स्मार्ट से 20 मिनट बोट ड्राइविंग करता, वो देखने लिए भी बहुत अच्छा है। ये आके फ्लावर्स आके पूरा कलर फ्लेवर्स है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, सभी कलर से ये पेड़ भी सभी है, दूसरे दूसरे राष्ट्रों से इधर ले लेके आकर ये पेड़ों को नाट कर बहुत अच्छा करिया, बहुत अच्छा है। ये राष्ट्र बहुत हम बहुत अच्छा देखता है, तो इसके लिए देखने के लिए सभी राष्ट्र सभी आगे देखते हैं, कोई तो आगे देखो, बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे एंजॉय करने का मतलब मौका मिला, अच्छा मौका मिला, सही बहुत अच्छा, पे बहुत मजा आ गया है, बहुत मजा आया यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं लगता है। कैसा एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा है। किसी से पूछ के कोई गाइड वाइड अच्छा करता है? बहुत मतलब जैसे पहले बोलते थे कि यहाँ पे मतलब टेररिज्म था बोल के, ऐसे मिला भाई कुछ नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है, बिना खौफ के आप आ सकते हैं, कहीं से भी आके यहाँ पे घूम सकते हैं। तो मेरा भी आप लोगों से निवेदन है कि इंडिया के किसी भी पार्ट से, किसी भी कंट्री से आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे यहाँ पे। Check this place.
तो तकरीबन तकरीबन हमने पूरी निशात कवर कर लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस और कुछ पल और यहाँ पे बिताऊंगा। तो ये है निशात के खूबसूरती, ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा एरिया में कवर करूँगा और मैं आपको पूरा यहाँ का एरिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे कितने प्यारे हैं, कितने हसीन नज़ारे हैं। वाओ, यहाँ फूलों के साथ यहाँ पे इतने मन बने रहते हैं, यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है। एक बार आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोगों का मन भी ऐसे ही इंशाल्लाह लगे रहेंगे। तो कुदरत का नज़ारे देखिए और कश्मीर आके ज़रूर आप लोग निशात गार्डन का दर्शन कीजिए। तो ये निशात गार्डन का देखो, ऊपर से मैं नीचे की तरफ यहाँ कवर कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ से पानी का झरना ऊपर से लेकर नीचे है, जिलीटल के अंदर जा रहा है। तो ये जिलीटल का भी नज़ारा तो आप लोग देख सकते हैं, कितने प्यारे नज़ारे हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह कश्मीर एक्सप्लोर का दूसरा व्लॉग भी बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लेके आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।